नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ जीके जीएस के हिसाब से फेवरेट ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और आप इस ट्रिक के माध्यम से भारत से गुजरने वाले, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनको आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलेंगे हम उस ट्रिक के ऊपर में दोस्तों, और जो ट्रिक है वो है भारत के कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती है जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, उसके लिए मैं एकदम बेस्ट ट्रिक्स लाया हूँ। और वो जो ट्रिक है वो है मगरमच्छ झपटेगा। क्या मगरमच्छ झपटेगा ट्रिक है, मगरमच्छ झपटेगा। दोस्तों जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में आप इसकी इसको पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मगर मत झपटेगा इसमें क्यों ले, बस ये जो आधा च है, च ये जो आधा च है बस यही साइलेंट लेटर है, बाकी पूरे यूजफुल है। तो हम मगर मत झपटेगा इस ट्रिक के माध्यम से भी जानना चाहें, यानी डिस्क्राइब करेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। वो इस ट्रिक के ट्रिक को जैसे हम अगर से इस ट्रिक को याद रखते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा जाती है, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं मगरमच्छ झपटेगा। जैसे हम इस ट्रिक को डिस्क्राइब करने के लिए जाएंगे तो मगर म ग र और म, और उसके बाद में जो च है आधा च, वो च को यूज नहीं करेंगे हम, और उसके बाद में हो जाएगा छ मगरमच्छ, उसके बाद में झपटेगा झ प टे का। तो इसमें जो गा है ये भी साइलेंट लेटर है, और ये जो च है ये भी साइलेंट लेटर है। मगरमच्छ झपटेगा कितने हो गए, 3, 2, 5 और 3, 8। तो 8 ऐसे राज्य है जिसमें से कर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो हम इस ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से याद रख सकते हैं मगरमच्छ झपटेगा। तो म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ग से हो जाएगा गुजरात, र से हो जाएगा राजस्थान, म से हो जाएगा मिजोरम, जैसे म हो गया, इस म से मध्य प्रदेश हो गया। अब जैसे म, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि महाराष्ट्र भी हो सकता है करके, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि अपने जो पूर्वी जो राज्य है हमारे, उसमें से जो एक राज्य है नहीं, उसको याद रख सकते हैं। जो महाराष्ट्र है वो मध्य प्रदेश के नीचे है, तो जो म है मिजोरम में, सामने भी मी है और लास्ट में भी म है, मी और म, वो वाला मिजोरम, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। म से हो जाएगा मिजोरम, और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ छ से हो जाएगा झारखंड, पश्च से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, भी वो ज्यादा ये तो नहीं हो रहा, क्लियरिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल ना झे, और टे से हो जाएगा त्रिपुरा। अब जैसे टे हो गया तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि टे ऐसा कोई वर्ड जिसमें लेटर है इसमें से कौन सा राज्य आएगा, लेकिन टे से आप सोच सकते हैं कि त्रिपुरा, त्रिपुरा इंग्लिश में जैसे बोलने के लिए त्रिपुरा, त्रिपुरा, तो जैसे टे से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो दोस्तों कर्क रेखा जो भारत के किन किन राज्य से जाती है हम इस ट्रिक के माध्यम से उसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। और ये जो है मगरमच्छ झपटेगा जिसमें से जो च है वो साइलेंट लेटर है, और जो गा होगा जो लास्ट का वर्ड होगा, लास्ट का जो लेटर है गा, ये साइलेंट होगा। उसके बाद में हम लोग इन 8 राज्यों को, 3, 5 और 3, 8 राज्यों को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश हो जाएगा,
ग से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा, र से हो जाएगा राजस्थान, फिर म से हो जाएगा मिजोरम, और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छ से हो जाएगा झारखंड, और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और टे से हो जाएगा त्रिपुरा। तो दोस्तों इसको इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, है ना, इसमें जो टे है उसे त्रिपुरा इंग्लिश में जैसे बोलने जाएंगे त्रिपुरा नहीं बोलते, त्रिपुरा हिंदी वर्ड हो गया, त्रिपुरा जैसे बोलने जाएंगे तो हम लोग टे से समझ सकते हैं कि टे से त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा। दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर में।